खबर की ओर। अपनी कई मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से किसान शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने पंजाब की तरफ रेलवे ट्रैक पर भी पिछले 10 दिनों से धरना शुरू कर दिया है, जिसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है। रास्ते बंद होने से परेशान अंबाला के विभिन्न वर्ग के व्यापारियों ने किसानों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। व्यापारियों की माने तो इन दिनों काम पूरी तरह से ठप हो गया है। चाहे वे शहर में स्थित एशिया के सबसे बड़े कपड़ा मार्केट, मिक्सी उद्योग, इलेक्ट्रिकल, स्वर्ण कार, कॉस्मेटिक मार्केट सब सूना पड़ा है। आलम यह है कि व्यापारी दुकान का खर्चा निकालने में भी असमर्थ हैं। उनकी समस्या के हल के लिए विभिन्न एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस और चुनाव आयोग को पत्र लिखकर हल की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि अंबाला में ज्यादातर ग्राहक पंजाब और हिमाचल से आते हैं। रास्ते बंद होने की वजह से ग्राहक अंबाला आने की बजाय अपने आसपास से सामान खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें करोड़ों का नुकसान हो रहा है। यहां तक कि व्यापारियों ने दुकानें बंद रखने की भी बात कही है। अंबाला से निखिल शोभती की रिपोर्ट। जो आज आप देख रहे हैं, 2.5 महीने हो गई है, हमारी कपड़ा मार्केट है, सराफा बाजार एसोसिएशन है, इलेक्ट्रॉनिक है, मिक्सी है, आज हमारी कई एसोसिएशन मुख्य रूप से यहाँ पे उपस्थित है, जो कि आखिर तंग होकर के हम लोगों ने आपके माध्यम से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, जिसमें हम ये सरकार को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका समाधान जल्द से जल्द हो। अगर यही हालात रहे तो ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए सर्वाइव करना। जैसे कि नरेश जी ने बोला कि 10,000 परिवार आज इस अंबाला मंडी से जुड़े हुए हैं, चाहे किसी भी एसोसिएशन से। आर्टिकल डीलर एसोसिएशन की तरफ से हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो ये आंदोलन चल रहा है, किसान सेकंड आंदोलन चल रहा है, इससे अंबाला की मार्केट जो है वो मंदी की तरफ भाग रही है। एक होता है चलना, ये भाग रही है, मतलब जो हमारा ट्रेड है वो 40-60% माइनस में चला गया। हमारा सबसे बड़ा मुद्दा अंबाला शहर का जो हमारा व्यापार है वो बड़ा अफेक्टेड हुआ है, जब से ये पंजाब में किसान आंदोलन शुरू हुआ है। आज से लगभग 2.5 महीने पहले जब हमने आंदोलन किया था तो सारे रास्ते बंद हो गए थे, इवन चंडीगढ़ भी बंद कर दिया था। उसके बाद तो हमारा व्यापार बिल्कुल ही ठप हो गया था। उसके चंडीगढ़ खुलने के बाद थोड़ा तकलीफ मिला है, लेकिन क्योंकि अंबाला शहर है, बिल्कुल पंजाब के बॉर्डर में लगता है।